गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट वगैरह मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। अभी अब काम बचा है अपने डॉगी को खाना खिलाना। जिन जिन के घर में डॉगी हैं उनको पता होता होगा कि डॉगी को खाना खिलाना भी एक बहुत बड़ा काम है। और हमारा डॉगी तो इतने नखरे वाला है कि मतलब इतने नखरे दिखाता है खाने खाते टाइम। आप लोग अभी देखेंगे उसको, उसके नखरे। और जिन जिन के घर में डॉगी हैं वो भी खाना खाते टाइम इतने ही नखरे दिखाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके डॉगी भी खाना खाते टाइम कैसे नखरे दिखाते हैं। और तो चलो फिर अभी देखते हैं हमारे डॉगी के नखरे खाना खाते टाइम। बाय बाय। ये खुद से बिल्कुल भी नहीं खाता है, हाथ से खिलाना पड़ता है इसे। बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है। कौन सी भी रुक जाना आग खा ले जल्दी। बजा ले जाना ने मतलब ब्याह में ले जा मैं यूं बम 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 करनी ये मेरी सासू माँ से खिला रही थी, बातें बना बना के बच्चों की तरह। बस अभी दूध पिए दूध पी जल्दी दूध दूध पी जल्दी पी बाबू दूध पी उबरू दूध पी रोना दूध पी ले, दूध बाजार जाना बाप ले दूध पी पी ले, दूध फिर पी जाएंगे ले घूमी जाएंगे घूमी। जल्दी पी जल्दी पी ना नखरे दिखा रहा है, दूध दूध पी ले। जल्दी पी जल्दी पी दूध पी रोना दूध दूध पी ले। घूमी नहीं जाना है शहर ना तेरे को, घूमी जाना है या नहीं? ब्रूनो ब्रूनो दूध इधर इधर ना, दुदू पे जल्दी पियो जल्दी जल्दी पी ले ब्रूनो। नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। बहुत गंदे, बहुत गंदे। तो डॉगी को अभी मम्मी ने खाना खिला दिया है। जितना भी खाया उसने हाथ से ही खाया, बिना हाथ से वो खाना नहीं खाता है बिल्कुल भी। चाहे उसके सामने 2 दिन तक भूखा रहेगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। तो मम्मी ने बड़ी मुश्किल से बच्चों की तरह उसको खाना खिला दिया है। दूध तो उसने बिल्कुल भी नहीं पिया, लास्ट में बिल्कुल छोड़ दिया है। अब उसको घुमाने का टाइम आ गया है, मतलब खाना खाने के बाद वो डेली घूमने जाता है तो मैं उसको घुमाने ले जाती हूँ। दूध नहीं पिया और घूमने जा रहा है ना, जा अकेले जा, अकेले जा, मैं नहीं ले जाने वाली, ऐसे ले जाऊंगी करके सोच रहा है। नहीं ले जा रही है चल फिर चल चल घूमी, नहीं आ रही मैं, नहीं आ रही, जा तू अकेले। को हो गए 1 हफ्ता हो गया। चल चल चल, और सब बढ़िया है? हाँ सब ठीक। रूनो चलेगा नहीं, चल आ जा आ जा। इसको मैं रोज यहीं घुमाने ले जाती हूँ, ये तीनों टाइम घूमता है। ये है वो जगह क्योंकि यहाँ खाली। आजा, मैं गई। Yep.
गई। उस टाइम से आ क्यों नहीं रहा तू? जल्दी आ, जल्दी आ, मैं तुझे डंडे से मारूंगी। आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। अभी मैं उसको घुमा के वापस लेके आ चुकी हूँ। उसने बहुत परेशान किया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, आया ही नहीं वापस। बड़ी मुश्किल से मैं उसको लेके आई हूँ अभी। तो थोड़ी देर धूप सेकूँगी, उसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे अपना ऊपर वाला कमरा साफ करना है जो तीसरे मंजिले में है। यहाँ हम बहुत कम आते हैं क्योंकि हम खाना पीना मतलब किचन वगैरह नीचे ही है, और क्या कहते हैं सोते भी वहीं हैं। यहाँ रूम बना रखे हमने 2-3, बट यहाँ कोई रहता नहीं है। बट ये गंदा हो जाता है, गमले वगैरह रख रखे हैं तो उनकी पत्तियाँ वगैरह गिर जाती हैं तो गंदा हो जाता है। और मैं धूप सेकने के लिए आती हूँ ऊपर, तो मैं दिखाती हूँ कि कितना गंदा हो चुका है। तो आज मुझे इसकी सफाई किसी भी हालत में करनी है, तो दिखाती हूँ मैं आपको कितना गंदा हो गया पूरा रूम। देखो ये कितना गंदा हो चुका है क्योंकि पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं। ये देखो गाइस कितना गंदा हो रखा है। ये देखो पूरा रूम बहुत गंदा हो रखा है, इसको साफ करना पड़ेगा। धूल वगैरह भी बैठ गई है, ये पूरी सफाई करनी है मुझे आज, पूरे कमरे की सफाई करनी है। ये बंद ही रहता है बस, पापा सुबह शाम यहाँ मंदिर है तो दिया वगैरह जलाने के लिए आते हैं, और वैसे कोई भी नहीं आता इधर ठंडियों के दिनों में, तो खास करके बाहर धूप सेकते हैं, उसके बाद नीचे ही रहते हैं ज़्यादा क्योंकि यहाँ ठंडा भी बहुत होता है, ऊपर हवा बहुत ज़्यादा चलती है इधर। ये वो बैलून है गाइस जो मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे में डेकोरेशन के लिए यूज करे थे, बट अब इनकी हवा निकल के इनकी हालत ऐसी हो गई है, मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ इधर। ये देखो गाइस कितने छोटे छोटे हो गए हैं ये, इनकी सारी हवा निकल गई है, इनको भी फेंकना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी इतनी गंदगी हो रखी है। देखो गाइज कितना कूड़ा निकल रहा है यहाँ से, सारे मिट्टी, सारे सड़े हुए जो पत्तियाँ होती हैं, गमला बाहर रखा हुआ है तो अंदर को आ जाते हैं, ये पापा ने अंदर ही रखा है, पता नहीं क्यों रखा है, मुझे भी पता नहीं है अंदर क्यों रखा है करके, ऐसे तो बाहर रखना चाहिए। अरे बाल ही बाल गिरा देना, ओके मैंने अभी झाड़ू लगा रखा है। रोनो इतना मंदिर में नहीं जाते बाबू, अब वहां क्या है, हर जगह देखना है, हर जगह जाना है।
गिराई? लूना, तूने मेरी कॉपी क्यों गिराई नीचे? उसको धक्का देके मैंने यहाँ पे कॉपी रखी हुई थी लेकिन इसने नीचे गिरा दी है, अब मुझे लेके आने पड़ेगी। रूना, तूने गंदी बात क्यों करी? गंदी बात क्यों करी? मेरी कॉपी क्यों गिराई? पिट्टी करूँ? क्यों गिराई मेरी कॉपी? देख वहाँ, देख वहाँ, देख जल्दी देख। तो गाइज अभी मेरी सफाई पूरी हो चुकी है और उसके बाद थोड़ी देर मैंने धूप भी सेक ली है और अभी हो गया लंच टाइम। तो देखते हैं कि लंच में क्या बनाते हैं आज। तो गाइज लंच में आज मुझे बनाना है मटन। उसके लिए मैंने प्याज चॉप कर दिया है अच्छे से और लहसुन भी चॉप कर दिया है एंड टमाटर पीस दिया, मैंने चॉपर में ही पीस लिया है और लहसुन में ही मैंने अदरक भी चॉप कर दिया है। मटन बन के रेडी हो चुका है तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।